नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 29 मार्च 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग आप सभी लोगों के लिए बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से चार बहुत ही बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं, वही दूसरी तरफ भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करके एक बहुत ही बड़ा इतिहास यहां पर रच दिया है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग फैंटेसी गेम्स के शौकीन हैं तो आप अभी माय 11 सर्कल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है। जैसे ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलने वाला है और यहां पर हर मैच के लिए वीवीएस लक्ष्मण भी अपनी टीम बनाते हैं। तो यदि आपकी टीम वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हरा देती तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज्यादा कैश। इसके अलावा यदि आप मार्च लीडर बोर्ड में टॉप पोजिशन हासिल करते तो आपको मिल सकते हैं यहां पर 1 करोड़ रुपए। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? काफी सारे लोग यहां पर करोड़ों रुपए जीत चुके हैं। तो आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से ज्वाइन करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलने वाला है। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज को लेकर, जहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा व अंतिम वनडे मुकाबला कल पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। काफी रोमांचक और शानदार यह मैच। इस मैच में कप्तान विराट कोहली टॉस हारे और भारतीय टीम को यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। भारतीय टीम की तरफ से शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों की तरफ से हमें ताबड़तोड़ पारियां देखने को मिली, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 329 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही शानदार 330 रनों का टारगेट इंग्लैंड टीम के सामने रख दिया था और भाई इंग्लैंड की टीम को शुरुआत यहां पर कुछ खास नहीं मिली थी। लेकिन बीच में यहां पर एक बार फिर से मैच बना, लेकिन बाद में यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते भाई एक बार फिर से यहां पर मैच पलट गया था। लेकिन भाई फिर यहां पर सैम कुरन बल्लेबाजी करने उतरे, भाई सैम कुरन ने यहां पर फिर पूरी तरह से मैच को पलट दिया। बिल्कुल अंत तक यह मैच गया। अंतिम ओवर में भारतीय टीम को यहां पर इस महामुकाबले में जीत दर्ज की, लेकिन भाई यहां पर सैम कुरन की तरफ से हमें बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन जैसे तैसे अंत में यहां पर भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को बिल्कुल इजीली अपने नाम कर लिया। 7 रनों से यहां पर टीम इंडिया को जीत मिली। लेकिन भाई इस मैच को देखने में जो मजा आया वो सीरियसली अभी तक हमें ना तो इस दौरे पर और ना इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ था वहां पर मजा आया था। यानी भाई काफी शानदार ये मैच रहा था। यदि आपने मिस किया तो भाई आप जाकर हाईलाइट जरूर देख लीजिए। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया और भाई इंग्लैंड की टीम भारत में खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही यहां पर वापस जाना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने 3-1 से जीत दर्ज की, उसके बाद T20 सीरीज हुई, T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-2 से जीत दर्ज की, वनडे सीरीज में यहां पर 2-1 से अपने नाम जीत की और भाई कहीं ना कहीं उस पूरे के पूरे दौरे की यहां पर तीनों की तीनों ट्रॉफीज यहां पर भारतीय टीम ने ही उठाई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 को लेकर। जी हां, अभी से एक दो दिन पहले मैंने आप सभी लोगों को अपडेट दिया था कि भाई COVID-19 पेंडेमिक के चलते हमें यहां पर आईपीएल 2021 में काफी सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं कि भाई मुंबई में भी आईपीएल के मैचों को सेट किया गया। लेकिन भाई मुंबई में लगातार, महाराष्ट्र में लगातार COVID-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते यहां पर थोड़े से इश्यू जरूर नजर आए थे। लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने परमिशन दे दी कि भाई आप यहां पर मुंबई में आईपीएल के मैच करा सकते हैं। वहां के जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको, उनकी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहां पर आईपीएल के मैच होंगे और आप सभी को पता है कि भाई ऑडियंस तो यहां पर अलाउ नहीं है, जिसके चलते भाई हमें शेड्यूल में अब किसी भी टाइप का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और बिल्कुल तय समय पर ही हमें आईपीएल 2021 के सभी मैच देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो भाई यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग मुंबई इंडियंस को लेकर। जी हां, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2021 के लिए अपनी टीम में एक
नए खिलाड़ी को शामिल किया है। उत्तराखंड का यह युवा खिलाड़ी है, काफी शानदार खिलाड़ी, इनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, नाम आप सभी लोग स्क्रीन पर साइड में देख पा रहे होंगे भाई, स्पोर्टिव प्लेयर इनको टीम में शामिल किया गया, यानी भाई प्रैक्टिस सेशंस में नेट्स में एक टीम को खिलाड़ियों की यहां पर प्रैक्टिस कराते हुए नजर आएंगे। और भाई यहां पर हो सकता है कि कोई खिलाड़ी इंजरी के चलते बाहर हो तो एज रिप्लेसमेंट उनको यहां पर स्क्वाड में भी शामिल कर लिया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग ही दिल्ली कैपिटल्स को निकल कर आ रही है। जी आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट ने अपने असिस्टेंट कोच की अनाउंसमेंट कर दी है। जी हां, अजय रुद्रा को यहां पर टीम का असिस्टेंट कोच बनाया गया है। भारतीय टीम के ये फॉर्मर विकेट कीपर रहे, आप सभी को बताना चाहिए, वो इंटरनेशनल भी ये खेल चुके हैं, लेकिन भाई अब यहां पर आईपीएल 2021 में अजय रुद्रा यहां पर आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के लिए असिस्टेंट कोच की भूमिका निभाने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रोड सेफ्टी वर्ल्ड टी20 सीरीज 2021 को लेकर, जो अभी हाल ही में समाप्त हुई थी। इंडिया लेजेंड्स वहां पर चैंपियन बनी थी, लेकिन भाई यहां पर एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। जी आप सभी को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले सचिन तेंदुलकर कोविड-19 पॉजिटिव मिले, उसके बाद यहां पर यूसुफ पठान कोविड-19 पॉजिटिव मिले, और भाई कल यहां पर बद्रीनाथ भी कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। ये तीनों ही खिलाड़ी रोड सेफ्टी वर्ल्ड टी20 सीरीज 2021 का हिस्सा थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें यहां पर जरूर सभी बाकी खिलाड़ियों के लिए बढ़ गई है। लेकिन इसके ऊपर जैसे कोई फर्दर नेक्स्ट अपडेट आता है, वो अपडेट आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है एशिया कप 2021 को लेकर। जी हां, रिपोर्ट्स कुछ ऐसी थी कि भाई आईपीएल 2021 के जस्ट बाद हमें श्रीलंका में एशिया कप 2021 देखने को मिलेगा, लेकिन भाई इसके ऊपर यहां पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। जी अपडेट कुछ ऐसा है कि भाई यहां पर एशिया कप 2021 को अब ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर पोस्टपोन कर दिया गया है। जी अब इस साल हमें एशिया कप देखने को नहीं मिलेगा, यह आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट हो चुकी है, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन फाइनली भाई यहां पर एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से भी इसके ऊपर अपना फाइनल डिसीजन आ गया है। तो दोस्तों ये है आज 29 मार्च 2021 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।